अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे आप? ठीक ठाक हैं व्यूअर्स? आज मैं अपनी यूनिवर्सिटी क्लास के लिए आया था, तो सोचा आपको विजिट करवा दूँ। और अब चलता हूँ मैं अपनी न्यूज़ एंकरिंग स्टूडियो, PCR स्टूडियो, जहाँ पे यानी कि न्यूज़ एंकरिंग क्लासेज होती हैं। अब तक के शान यासीन साहब न्यूज़ कंडक्ट करते हैं और चलते हैं स्टूडियो की तरफ। तो ये व्यूअर्स प्रॉम्प्टर है जहाँ पे न्यूज़ पढ़ी जाती हैं, और ये सामने क्रोमा है, जो ग्रीन कलर का पर्दा लगा हुआ, इसे क्रोमा कहते हैं। उमर हाशमी, नज़र डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पे। NA75-10 का ज़िमनी इलेक्शन का कलदम करार। इलेक्शन कमीशन ने पूरे हलके में 18 मार्च को दोबारा पोलिंग का हुक्म दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपने रिमार्क्स में कहा कि ज़िमनी इंतखाबात शफाफ अंदाज में नहीं हुए, खौफ हरास फैलाया गया, लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक नहीं था। इलेक्शन कमीशन का तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया गया। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का ऐलान कर दिया। डस्का में ज़िमनी इलेक्शन का तराजा, कमिश्नर और RPO गुजरावाला के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म, DC DPO सियालकोट की मुतल्ली का फैसला, AC और ASDPO डस्का को भी मुअत्तल कराने का फैसला, चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब से वजाहत तलब कर ली गई। ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त से हुकूमत बौखला गई। NA75 में इलेक्शन कमिश्नर का फैसला इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ चार्जशीट है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का रद्द अमल। मरियम नवाज का कहना है कि हक की फतह हुई, इलेक्शन कमीशन ने बक्सा चोरी की सनद जारी कर दी। सेनेट में PDM का इत्तेहाद हुकूमत को सरप्राइज देगा। अब तक के लिए इतना ही, मजीद खबरों के लिए देखते रहिए AIIMS TV.TV। होपफुली आपको आज का इंटरेस्टिंग ब्लॉग, इंफॉर्मेटिव, और स्टूडियो में कैसे काम होता है वो आपको मैंने दिखाया, आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।